स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस विद यू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हम ना अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बेटा, ये जो अमोनिया है ना, इससे हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं इसके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसकी थ्योरी है, फिर प्रोसेस डिस्कस करता हूँ। थ्योरी में क्या है, हम नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड वी गेट अमोनिया, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और ये ऑक्साइड्स ऑफ आयरन की प्रेजेंस में होती है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ठीक है। और ये ऑक्साइड ऑफ आयरन इज ए कैटलिस्ट, और इसमें मॉलिब्डेनियम भी यूज होता है, दैट इज ए प्रमोटर, प्रमोटर होता है बेटा, जो कैटलिस्ट नहीं होता लेकिन वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये कैटलिस्ट है, ये प्रमोटर है, यानी कि जब आप आयरन डालोगे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, मॉलिब्डेनियम डालोगे और फास्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ मॉलिब्डेनियम डालते हो तो रिएक्शन को कुछ नहीं होगा, सिर्फ मॉलिब्डेनियम कुछ नहीं करता, यानी कैटलिस्ट डाला है रिएक्शन हो रही है, पर मॉलिब्डेनियम डाला और हो जाएगी, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, इट विल बी 2 times एंड इट विल बी 3 times रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। नाइट्रोजन जहाँ पर गैस है, अमोनिया भी गैस है, अमोनिया भी नॉर्मल हाई टेम्परेचर पर गैस होती है, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, आपको मालूम है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और ये प्लस हीट है, रिएक्शन आगे को एक्सोथर्मिक है और पीछे को एंडोथर्मिक है। कोई भी रिएक्शन बेटा, अगर आगे को एक्सो हो पीछे को एंडो होती है हमेशा बेटा, अगर आगे एंडो होगी पीछे को एक्सो होगी, हैं। तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन द बैकवर्ड। तो जे इस रिएक्शन में अगर हमें अमोनिया ज़्यादा बनाना है, हैं, हमारा एम क्या है, अमोनिया ज़्यादा बनाने का, तो ज़्यादा बनाना है तो हमें ली चैटल प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, हैं। ली चैटल प्रिंसिपल में कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड, हैं, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड्स, मैक्सिमम यील्ड, यील्ड को बढ़ाने के लिए कंडीशंस बेटा, नंबर फर्स्ट है लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैं मतलब समझाता हूँ इसका। देखो, पहली तो बात सुनो, ली चैटल कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन उस साइड जाती है जिस साइड टेम्परेचर कम हो, इधर टेम्परेचर ज़्यादा है इधर कम है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अमोनिया वापस आ जाएगा, तो अगर आपने इधर ले जाना है, हैं, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो इसलिए लिखा लो टेम्परेचर। लेकिन एक लो टेम्परेचर, जितना लो करोगे यील्ड ज़्यादा होगी, लेकिन एक बात है ना, फैक्ट्री में इंडस्ट्री में हमें यील्ड भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए, तो इसलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ता है। वैसे तो जितना लो करोगे यील्ड ज़्यादा बनेगी, लेकिन वो रिएक्शन यील्ड बढ़ाने के लिए ये टेम्परेचर है बेटा 825 केल्विन हम इस पर मेंटेन करते हैं ये टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा बेटा, हाई प्रेशर, प्रेशर इसमें हाई रखना हमने, क्यों, देखो बेटा क्यों रखना है, क्योंकि ये जो इधर कितने मोल है, ये नाइट्रोजन 1 mole है, हाइड्रोजन कितने मोल है, 3, टोटल मोल कितने हो गए 4, राइट साइड में कितने मोल है, 2 mole है सिर्फ, इधर 4 mole है, इधर 2 mole है, तो जब आप टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओ तो बेटा हायर मोल टू लोअर मोल जाती है रिएक्शन, ली चैटल प्रिंसिपल के मुताबिक। तो ये हायर मोल है, ये चार हैं, ये 2 हैं, प्रेशर बढ़ाओगे तो इधर आएगा, प्रेशर कम करोगे तो इधर, इसलिए हमें हाई प्रेशर मेंटेन करना है। और पता है कितना हाई प्रेशर है, 200 से लेकर 900 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 atmosphere होता है ना, उससे 200 से लेकर 900 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपको मालूम है कंसंट्रेशन लिखो, अगर हम इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगी, अगर इसकी बढ़ाएंगे इधर होगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे और इसकी कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। तो इंक्रीज करते हैं, वी इंक्रीज
द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, टू गेट द मोर यील्ड ऑफ अमोनिया। ओके बेटा, मेरी बात समझ गए? अब मैं आपके साथ, ये थ्योरी है बेटा, देखो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इस रिएक्शन में अब ज्यादा यील्ड बनाने के लिए यू रिक्वायर्ड सर्टन कंडीशंस हैं, तो एक टेम्परेचर लो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, और इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और इनकी कंसंट्रेशन कम। तीसरा सेकंड नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पहले तो है रॉ मटेरियल, हैं इसमें रॉ मटेरियल हमें चाहिए, हैं क्या कौन कौन से चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, हैं नाइट्रोजन जो है ये हम इज ये नाइट्रोजन जो है इज ऑब्टेन्ड बाई द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, जो एयर है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, एयर की डिस्टिलेशन करते हैं और उसमें लिक्विफाई करके उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, उससे नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड, हाइड्रोजन को कहां से लेते हैं, हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाई द हाइड्रोलिसिस ऑफ बाई द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर बेटा, वाटर में थोड़ा एसिड डालते हैं, उसमें करंट पास करते हैं और उसे हाइड्रोजन मिलती है, ठीक है। तीसरा प्यूरिफिकेशन, इसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस मिलती हैं आर पास्ड बेटा, उनको हम पहले पास करते हैं, पास्ड थ्रू किस में, H2S में पास करते हैं, फिर उसको फास्फोरस में पास करते हैं, फ्री फ्रॉम पहले तो उसको वाटर से पास करते हैं, ठीक है, और फिर स्लेग्ड लाइम अरे सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग्ड लाइम, पता ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्लेग्ड लाइम, और फिर KOH सोल्यूशन एंड हीटेड आयरन ऑक्साइड जे इन जो नाइट्रोजन गैस मिली है पहले उसको वाटर से पास करते हैं, फिर उसको स्लेग्ड लाइम से पास करते हैं, फिर उसको KOH से पास करते हैं, फिर उसको आयरन पास, क्यों, टू रिमूव उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रहे, उसमें H2S गैस नहीं रहे, है? उसमें फास्फोरस नहीं रहे और उसमें आर्सेनिक नहीं रहे, ये कोई भी इम्प्योरिटी उन गैसेस में नहीं रहनी चाहिए, तो दिस इज रॉ मटेरियल बेटा, ठीक है। नाउ प्रोसेस बेटा, थर्ड इज प्रोसेस, देखो प्रोसेस कैसे है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये फ्लो डायग्राम है बेटा, है इट इज सिंपल दिखाने के लिए, समझाने के लिए, फ्लो डायग्राम क्या है, हम हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस इंटर कर रहे हैं, ठीक है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस जा रही है इसमें, ये हाइड्रोजन गैस जा रही है इसमें, ये आपकी कलेक्ट हो गई, यानी इधर से नाइट्रोजन जा रही है, इधर से नाइट्रोजन जा रही है, इधर से हाइड्रोजन, ये जो गैस जा रही है इसको एक कंप्रेसर के साथ कनेक्ट किया, कंप्रेसर है आपको मालूम है ना, कंप्रेसर क्यों करते हैं, प्रेशर बढ़ाने के लिए, ये कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में हम जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इसमें पास की है ताकि उसका प्रेशर बढ़ जाए, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है इसके नेक्स्ट एक चैम्बर है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन टावर, इस रिएक्शन टावर में रिएक्शन हो रही है, हैं ये कैटलिस्ट डाला हुआ है, कौन सा कैटलिस्ट, जो अभी बताया पीछे, हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हैं और क्या डाला है, मॉलिब्डेनियम, ये दो डाले हैं, और जहां रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन टावर। देखो जहां ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्यों है, गैस का प्रेशर बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ रही है, प्रेशर हो रही है,
जहां रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन हो, जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन आपको मालूम है क्या है, रिवर्सिबल। अब नाइट्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन गैस भी है, अमोनिया गैस भी है, तीनों गैसेस हैं। इसको हम फिर ना कूलिंग पाइप से पास करते हैं। कूलिंग पाइप्स आपको मालूम है, ऐसे टेढ़ी लिखते हैं, ये कूलिंग पाइप्स हैं, कूलिंग पाइप्स। इसमें कूलिंग पाइप्स में जब पास करते हैं तो आपको मालूम है क्या होगा, अमोनिया लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि अमोनिया जल्दी लिक्विफाई हो जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं लिक्विफाई। तो जहां पर आपका अमोनिया लिक्विड अमोनिया मिल जाएगा, यू विल गेट लिक्विड अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो लिक्विड नहीं बनेगी, वो गैस है अभी भी। वो गैस जो है उसको हम जहां से पंप करके वापस रीसर्कुलेट करते हैं, जहां से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रीसर्कुलेट करते हैं, जहां पंप लगाया हुआ है हमने, है ये एग्जॉस्ट पंप लगाया है, और इसको रीसर्कुलेट कर देते हैं दोबारा इसमें, इस कंटेनर में, जहां जहां से नाइट्रोजन हाइड्रोजन जा रही थी ना प्रेशर होके, तो जो इधर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिकवर हुई है उसको इधर से लेकर वापस इसमें भेज रहे हैं, ताकि रिएक्शन दोबारा हो जाए। ठीक है, देखो बेटा ये इसका प्रोसेस है, ध्यान से सुनो। फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमने एंटर की, ये इधर आ रही है, जहां कंप्रेसर में उसको हमने प्रेशर डाला, प्रेशर से उसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ गया, गैस का प्रेशर बढ़ गया, जो प्रेशर है गैस का, वो प्रेस्ड गैस जो है इस टावर में भेज रहे हैं, जिसमें हमने कैटलिस्ट रखा हुआ है, उसमें रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होते वक्त आपको मालूम है रिएक्शन रिवर्सिबल है, नाइट्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन गैस भी है, और अमोनिया गैस भी है। उनको हम पाइप से, कूलिंग पाइप से थ्रू पास कर रहे हैं, दे आर योर कूलिंग पाइप्स, ये कूलिंग पाइप्स हैं। पाइप से कूल करके ये क्या होगा, जहां पर आपका लिक्विड जब कूल करोगे, अमोनिया लिक्विड हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस लिक्विड नहीं होगी, तो जहां से हम अमोनिया लिक्विड बाहर निकाल सकते हैं, यू गेट अमोनिया, ये अमोनिया आपका निकल गया बाहर। ठीक है, और जो नहीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो रिएक्ट नहीं की, जिसने अमोनिया नहीं बनाया, वो इसे रीसर्कुलेट करके दोबारा इसमें हम रीसर्कुलेट कर देते हैं। समझ लगी, दिस इज फ्लो डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब मेरी बात समझ गए आप, लिखना भी आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं प्रोसेस, कोई लंबा चौड़ा लिखना, सिंपली इतना लिखना, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस्ड आर कंप्रेस्ड एंड देन दे आर पास थ्रू द रिएक्शन टावर विच कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड मॉलिब्डेनियम वेयर नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म द अमोनिया। नाउ द गैसेज आर फर्दर कंडेंस्ड बाई पासिंग थ्रू ए कूलिंग पाइप्स वेन अमोनिया इज लिक्विफाइड एंड अनलिक्विफाइड नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस आर री सर्कुलेट। बस दो चार लाइन का प्रोसेस, बहुत लंबा चौड़ा लिखना, मेरी बात समझेगी। तो ये बेटा प्रोसेस आ गया है, प्रोसेस आ गया, इसको पढ़ना है, खुद लिख लेना, अगर पीडीएफ में नोट्स में काम लिखा है, प्रोसेस खुद लिखना आपने। नाइट्रोजन हाइड प्योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर इंट्रोड्यूस्ड एंड आर कंप्रेस्ड एंड दो लाइनों में लिखना सिर्फ, एंड आर पास थ्रू द रिएक्शन टावर। ठीक है, व्हेन नाइट्रोजन हाइड बेयर नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट गिव यू द अमोनिया, नाउ इट इज पास थ्रू द कूलिंग पाइप्स व्हेन अमोनिया इज लिक्विफाइड एंड इज टेकन आउट एंड अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज रीसर्कुलेटेड बैक, ठीक है, टू द रिएक्शन टावर। ओके, नाउ एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हाँ ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई साइनेमाइड प्रोसेस। ठीक है बेटा, हाँ ये अलग है उससे, ये बोनी है, अलग लिखा है, हाँ? तो इसमें क्या करते हैं हम, हाँ, अमोनिया को बनाते हैं साइनाइड से, कैसे करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं सॉलिड, हाँ? उसको नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं एट 1417 केल्विन एंड विद दिस यू गेट CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड है प्लस कार्बन है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड बन जाते हैं
कैल्शियम साइनामाइड, और ये जो कैल्शियम साइनामाइड बनता है CaCN2, इट इज फर्दर कंबाइंड विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस अमोनिया गैस। तो इस मेथड से भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लार्ज नहीं यूज होता क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो सकता। तो ये एक प्रोसेस है, यानी इससे भी हम अमोनिया बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को हीट करते हैं, वी गेट कैल्शियम साइनामाइड, दैट कैल्शियम साइनामाइड इज ट्रीटेड विद वाटर, यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया। ओके बेटा, ये बेटा आज के लिए ओके।